अभी कल ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की न्यूज आई है कि उसके पास 2025 की सीटें खत्म हो चुकी हैं। समझो अगर उसको कितनी सीटें, अगर उसको 4000 सीटें मिली हैं या 3000 सीटें मिली हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की 3000 सीटें उसने डिक्लेयर कर दी है कि भर गई है। अभी हमारे पास अब 2025 के बाद का इंटेक है, जिसको डेफर लेना है डेफर ले लो, नहीं तो अपना रिफंड करा लो। ये आपको मैं लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ कल की। नवंबर के इंटेक के लिए अगर कोई 23 पास आउट का बच्चा अपना वीजा अप्लाई कराना चाहता है तो ये उसके पास राइट टाइम है, इसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज चल रहा है सितंबर, ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, क्योंकि सितंबर चल रहा है। यूं तो हर रोज किसी ना किसी टॉपिक पे चर्चा होती है, सवाल होते हैं लोगों के, मेरी कोशिश होती है जवाब देने की। आज एक गेस्ट है, साथी है मेरे पुराने, वीजा इंडस्ट्री से जुड़े हुए, लंबा समय का एक्सपीरियंस है इनको। आज इनसे जानेंगे कि आज इंडस्ट्री का क्या हाल है, स्पेशली इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में है। मेरे साथ अमित सहगल हैं जो कि आज बच्चों के सवालों के जवाब देंगे, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इनकी ज़िंदगी के अंदर कैसे कैसे मोड़ पर इन्होंने बच्चों को जागरूक किया और क्या क्या परेशानियाँ हैं। अमित जी स्वागत है। नमस्कार विनय जी, नमस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी थोड़ी वीज़ा की अंदर मूवमेंट शुरू हुई है जी। कनाडा भर गया, कनाडा ऑलमोस्ट, बच्चा जाके राजी नहीं है आज के टाइम में कनाडा। क्यों नहीं जाना चाहता बच्चा? बच्चा बेसिकली यहाँ से तो आपको पता ही है, जो हमारी हरियाणा पंजाब की मेजोरिटी जो क्लाइंट हैं वो जाकर वहाँ पढ़ने के साथ साथ काम करना और सेटलमेंट लेना चाहते हैं। और जो आजकल बच्चों को काम के अंदर थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं वो हालात यही हैं कि लगभग जो लोगों को सुनने में आ रहा है, वहाँ की सिचुएशन सुनने में आ रही है कि काम नहीं है पढ़ने के साथ साथ। कनाडा ने अपना लिविंग एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके आप आओ जी। लिविंग एक्सपेंडिचर पहले जो $10,200 का GIC हुआ करता था, आज वो $20,000 हो गया जी। तो पेरेंट्स के पास इतनी सेविंग नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ उसके बाद से क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गई है। भी $20,635 का एक लिविंग का अमाउंट ही लेके आना, उसके बाद इतने ही लगभग आपकी ट्यूशन फीस, तो अराउंड 25-26 लाख से लेके 30 लाख लेके जाना कनाडा में, वो उनको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है। जो लोगों के पास पहले 15-16 लाख में वो अपने बच्चे को एक विदेशी पढ़ाई पढ़ा सकते थे, आज उन्हें अपना बजट बढ़ाना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया आसान लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया कंपैटिबली कनाडा से थोड़ा इजी है, क्योंकि उसके अंदर जो ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है वो सालाना 8 से लेकर 10 लाख में शुरू हो जाती है जी। और वहाँ जो पैसा है वो लेके नहीं जाना पड़ता साथ में, एक पैसा जो हमारे पास रहेगा हमारे पास ही, बस हम अपने बच्चे को जरूरत पड़ने पर भेज सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोलती है शो करा दो, दिखा दो कि आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि बच्चा आराम से अपनी स्टडी को कवर कर ले और खाने पीने का। कनाडा कंपैटिबली बोलता है हमारे पास लेके आ जाओ। तो इन दोनों पॉइंटों को आप लोगों को कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया वीजा पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो कनाडा इजी है, बट अगर खर्चे पॉइंट ऑफ देखे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ऑस्ट्रेलिया कम खर्चे में भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। आज हर किसी को ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है? ऑस्ट्रेलिया में वर्क अपॉर्चुनिटी बहुत अवेलेबल है कंपेटिवली टू कनाडा, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, लोगों के पास, लोगों को काम की जरूरत है। बात तो पढ़ाई की हो रही है, स्टडी वीजा की हो रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है? सर यहाँ का जो बच्चा है वो सारा का सारा पढ़ने कहाँ जाता है? अगर किसी को पढ़ना ही है तो वो उसको इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, प्रिपरेशन करके वो बच्चा IIT में जा सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जिसमें लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन इंडिया वाले भी देते हैं, बट हमारे यहाँ पे लोगों को चाहिए थोड़ी सेटलमेंट, थोड़ी अपने घर से आजादी। थोड़ी क्या, पूरी सेटलमेंट चाहते हैं? हाँ, परमानेंट, मतलब PR भी मिले, थोड़ी पढ़ाई भी मिले और साथ साथ काम भी। कनाडा दे रहा था ना, कनाडा की अपॉर्चुनिटी आप लेना नहीं चाहते? अब कहते हो कि नहीं हमें तो ऑस्ट्रेलिया जाना। अब लोग वहां से भी मूव करने की सोच रहे हैं, वापिस आना शुरू हो गए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कनाडा से बोल रहे हैं कि नहीं, इनको ऑस्ट्रेलिया में भी काम खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? और फिर ये ऑस्ट्रेलिया से भी वापसी की तरफ दौड़ेंगे, सिचुएशंस ऐसी। काम करने के लिए देखो रास्ता पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि स्टूडेंट वीजा एक सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी कंट्री में एंटर करने का। अगर एक बार एंट्री मिल जाती है पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है कि आप पढ़ने के साथ साथ काम कर सकते हो। अगर हम कंपेयर करें अपने इंडिया से तो यहाँ क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है और शाम को 5 बजे तक चलती है। वहीं हम लोग बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की तो वहां पे हफ्ते के अंदर आपको 20 घंटे पढ़ना है, 4 से 5 दिन।
वीजा कितने प्रतिशत लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया पिछले साल तक तो बहुत अच्छा था, पर अभी जो इन्होंने कैपिंग की है 270,000 स्टूडेंट की, जिसमें से 145 के आसपास इन्होंने यूनिवर्सिटीज को दिया कि ये सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कॉलेजेस की तो 90,000 के आसपास इन्होंने सीट दी है वोकेशनल एजुकेशन में, जो पहले सुनने में आ रहा था कि लगभग ये ना के बराबर ही वोकेशनल में बच्चा जाएगा, लेकिन अब उन्होंने 90,000 की आसपास की जो सीटें हैं वो वोकेशनल को दी हैं। वीजा देखो कैपिंग के हिसाब से वीजा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है असेसमेंट लेवल के ऊपर। अगर ये कल को अपना असेसमेंट लेवल खत्म कर देते हैं, जो इन्होंने रूल निकाला कि 23 के हिसाब से जितने बच्चे रिक्रूट किए थे जितनी भी सीटें अलॉट हुई हैं, तो अगर तो इन्होंने असेसमेंट लेवल को खत्म कर दिया, फिर हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है कि वो वोकेशनल में, जो सबसे ज्यादा बच्चा इंटरेस्टेड होता है वोकेशनल का, क्योंकि एक तो क्वालिफिकेशन स्किल्ड क्वालिफिकेशन बच्चे को मिलती है और ऊपर से उस कोर्स के अंदर बच्चों की फीसिस भी बहुत कम है कंपेटिवली टू, अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज की बात करें जिसकी फीस 30-35-40 हज़ार डॉलर है, और कॉलेजेस की बात करें तो 25-30 हज़ार डॉलर है। वही वोकेशनल का कॉलेज आपको 10,000 डॉलर यानी लगभग 5.5-6 लाख रुपए में मिल जाता है और बच्चा वही करके राजी है। अगर असेसमेंट लेवल चेंज हुआ तो, अगर असेसमेंट लेवल उन्होंने खत्म कर दिया फिर तो शायद ये वीजा बहुत ज्यादा इंडिया को भी देंगे या हर कंट्री को देंगे। अगर कहीं असेसमेंट लेवल इन्होंने खत्म नहीं किया तो हमारा इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में है, 3 लेवल के हिसाब से सक्सेस रेशो वही रहेगा जो पहले था 10% 15% वोकेशनल। आप श्योर है असेसमेंट लेवल बदल जाएंगे? सर देखो ये मैं कुछ अभी कुछ नहीं कह सकता, ये तो जनवरी फरवरी के बाद जो लास्ट अभी इनकी अमेंडमेंट होनी है, जो लास्ट मीटिंग में ये पास करना है इन्होंने अपने पार्लियामेंट में, ये उसके बाद ही फाइनल होगा। आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जी जिन्होंने अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने हैं आपके बोलने से। सर ये कितने परसेंट श्योर है असेसमेंट लेवल चेंज हो श्योरिटी असेसमेंट लेवल खत्म? देखो सुनने में तो यही आ रहा है, मैंने भी सुना है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन जो 107 है जी, वो कह रहे जैसे कैपिंग शुरू होगी ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन हट जाएगी, जो वीजा है एक एक दो दो दिन में वीजे आने शुरू हो जाएंगे और असेसमेंट लेवल भी बदल जाएगा। मीना जी टाइम फ्रेम वीजा का एक दिन रहे दो दिन रहे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर कि कितनी एप्लीकेशन लॉज होती है और उनके पास कैपिंग आ गई ना, कैपिंग तो पहले ही आ चुकी है, जब कैपिंग ही आ गई है तो वीजा रिफ्यूज क्यों होगा? अभी कल ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की न्यूज आई है कि उसके पास 2025 की सीटें खत्म हो चुकी है, समझो अगर उसको कितनी सीटें, अगर उसको 4,000 सीटें मिली है या 3,000 सीटें मिली है तो उस यूनिवर्सिटी की 3,000 सीटें उसने डिक्लेयर कर दी है कि भर गई है, अभी हमारे पास अब 2025 के बाद का इंटेक है, जिसको डेफर लेना है डेफर ले लो नहीं तो अपना रिफंड करा लो। ये आपको मैं लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ कल की। इसका मतलब इंडिया से कोई दाखला नहीं देगा? सर खत्म हो गई सीटें जो उन्होंने इशू की हुई थी, उनको वर्ल्ड से इतनी सीटें मिल गई जितनी सीटें उनको चाहिए थी उससे ज्यादा उनके पास है, तो अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि या तो अपने पैसे वापिस ले लो या फिर उसको 2025 के लिए डेफर करा लो। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनको सीटें अलॉट हुई हैं, 1,45,000 का जो नंबर है वो बहुत ही छोटा नंबर है, उन नंबर्स के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास तो ऑलरेडी इतनी वर्ल्ड से ही एप्लीकेशन आनी है, एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया से तो आनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से तो डाइवर्सिटी है, बच्चा हर जगह से आता है। तो जो लोग खुशी मना रहे हैं कि असेसमेंट लेवल बंद हो जाएगा वीजा 100% शुरू हो जाएगा, इसका मतलब उनको सीट नहीं मिलने वाली? सीट मिलेगी तभी जब उनके पास सीट होगी, जब सीट मिलेगी क्यों, जब दुनिया से बच्चा आने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो नॉर्थ अमेरिका से बच्चा, साउथ अमेरिका से बच्चा जाता है, तो भारत से बच्चा क्यों लेंगे? सर सबसे बड़ा इशू तो यही है कि जितने बच्चे की रिक्वायरमेंट भारत पूरी करता था आज वो बच्चे जो, क्योंकि वहां जाके पढ़ते ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह बच्चा। सीधा बोलिए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भारतीयों के लिए वीजा बंद कर रही है, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं लगभग। मैं आपको आज की न्यूज देता हूँ, मेरे आज 3 वीजा निकले हैं, वो वीजा 90 दिन के बाद आए हैं, 90 दिन के बाद 3 वीजा आए हैं, कुछ रिफ्यूजल भी आई है, तो हालात ये है कि 90% तो रिफ्यूजल आ रही है, आपको 10% वीजा मिल रहा है। अब उसी के आप कंपेटिवली लगा लो कि 2025 में जब ये कैपिंग वाला सिस्टम शुरू हो गया उस टाइम पे क्या होगा कि 2025 में जिनके पास जितनी सीटें हैं वो सीटें ऑनशोर से ही भर लेंगे, तो इंडिया के लिए उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दूं, हमारे साथ अमित सहगल हैं जो एक लंबे समय से बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का व्यापार भी करते हैं, साथ में 3-4 ऑस्ट्रेलियन अच्छे प्रोवाइडर के साथ जुड़े हुए हैं। तो अमित जी एक ऐसे शख्स हैं जो हर साल हजारों एप्लीकेशन को डील करते हैं,
इवन हमारे दफ्तर की बहुत सारी एप्लीकेशन अमित जी के थ्रू प्रोसेस करते हैं। पिछले साल कितने वीजा किया आपने ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया के 200-250 वीजा हमारे कॉलेज में आए इंडिया से। 250 वीजा आपने अकेले ने कर दिया? हाँ, और भी इंस्टीट्यूट थे जिनके वीजा आए। अच्छा सक्सेस रहा पिछले साल के कम, क्योंकि उसी के बेस पे इन्होंने कैपिंग। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं आज। सुनने वाले पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, क्या है पॉजिटिव आपके पास? पॉजिटिव ये है कि लोगों को जो उम्मीद थी कि कैपिंग से पहले शादी वीजा दे दे, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आया, जो हम लोगों ने अप्रैल में, मई में, जून में जो एप्लीकेशन लगाई थी, उनके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। उसमें रिफ्यूजल्स भी आ रही हैं और वीजा भी आ रहे हैं। जो 2023 पास आउट का बच्चा, जिसको कोई लेता नहीं था, उसको लास्ट कॉलेजेस वालों ने लेना शुरू कर दिया कि नवंबर का इंटेक हमारे पास लास्ट है। उस नवंबर के इंटेक के लिए अगर कोई 23 पास आउट का बच्चा अपना वीजा अप्लाई कराना चाहता है तो ये उसके पास राइट टाइम है, इसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आज चल रहा है सितंबर, ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, क्योंकि सितंबर चल रहा है, 3 महीने वीजा को लगेंगे, अंतिम अवसर है। जो लोग नवंबर दिसंबर में चले जाएंगे, हाँ, इसके बाद नहीं जा पाएंगे। उसके बाद अगर उन कॉलेजेस की ये कैपिंग फाइनल हो गई तो उनके पास जितनी सीटें बचेंगी, सीटें तो है ही नहीं किसी, जो भी 100-200-300 जिन्होंने इतनी सीओईयां इशू की होंगी, वो अपने आप अपनी सीओईयों को डेफर कर देंगे। या फिर कई कॉलेजों ने तो ये इंटीमेशन दे दिया है कि हमारे पास नवंबर 15 से लेकर 30 तारीख तक की लास्ट डेट है, अगर आपके 30 तक वीजा आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सारी सीओईयां कैंसिल कर देंगे। उसी प्रकार नहीं है जैसे दुकान बंद करने का समय आ चुका है, जो माल बचा है हर किसी को सस्ते दाम पे ले जाओ, क्योंकि सुबह से तो दुकान खुलेगी। बिल्कुल सही। जो नया साल है वो पहली जनवरी से आ जाएगा, उसके बाद कोई रूल पुराना रहेगा नहीं, उसके पहले जितना माल कटता है काटता हर किसी को चाहिए जी, कि उसके बाद उनको पता अपने खर्चे चलाने हैं, वो कैसे चलाएंगे। ये तो पॉजिटिव न्यूज भी है कि जो फाइल भी दिसंबर में लगेगी उसको वीजा मिलेगा, हो भी सकता है, वो बहुत बड़ा इशू। जो रिजल्ट हम लोग पिछले एक साल से देख रहे हैं, पिछले साल कैनेडा में क्या हुआ, उन्होंने सितंबर में दे दी कि हम अनाउंसमेंट कर दी कि हम जनवरी से कैपिंग करेंगे। बिल्कुल, जनवरी से कैपिंग तो हो गई, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फाइल दिसंबर में लगी, किसी का वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ, सबको वीजा मिला, सबको वीजा दे दिया। बिल्कुल, बहुत बड़े नंबर्स पर लोगों के वीजा आए, 3 महीने के अंदर लोगों ने बहुत वीजा लिए। पॉजिटिव चीज बता रहे हैं अमित जी कि जो फाइल अभी लगेगी उसके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर ये मौका खो बैठे तो दोबारा शायद चांस ना मिले, क्योंकि एक साल के लिए तो कम से कम ये चीज बंद होने वाली। आज के दिन जो एप्लीकेशन आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट कैसे मीट करता है बच्चा? अभी जो कॉलेजेस ले रहे हैं वो कम से कम 65% मेजर 4 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अगर वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है या स्टेट बोर्ड का भी है, ठीक है, स्टेट बोर्ड की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है जी। उसके बाद आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट वही 6 बैंड ओवरऑल, और पीटी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट 52 रखी हुई है, किसी ने ओवरऑल रिक्वायरमेंट, किसी ने 55 पीटी की रखी हुई। और बच्चे आते हैं कहते हैं जी हमारे 55 है जी, हमें तो 58 चाहिए, लोगों को यही नहीं समझ कि हमारा 50 पे भी हो सकता है। नहीं, 52 मिनिमम, 50 वाले भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसी है जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट को अगर मैचअप करें पीटी के स्कोर के साथ तो ओवरऑल 50 स्कोर पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इंस्टीट्यूट, बट मेजोरिटी इंस्टीट्यूट लेते हैं 52 to 55, 50-55 तक के नंबर वो 6 बैंड ओवरऑल के इक्वल आते हैं। अगर आप बात करो मास्टर डिग्री के कोर्स कैसे कवर करेंगे, फाइनेंशियल्स 3 महीने पुराने आज की डिमांड है, 3 महीने आपके पास फाइनेंशियल्स पड़े हों, आपके सेविंग अकाउंट में हो, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आप किसी अदर फॉर्म में दिखाते हो, जैसे एजुकेशन लोन है, अगर आप फीस का लोन करा लेते हो तो वो चल जाएगा। स्टूडेंट आके एजेंट को बोलता है भाई मेरे फंड बना दो, ये कितना जायज है? ये तो देखो जी आपके सामने ही है, जो फंड अपने होंगे वो अपने ही होंगे, क्योंकि जो भी एजेंट फंड बनाएगा वो नए फंड ही डालेगा अकाउंट के अंदर। 100% चांस है कि फंड की वेरिफिकेशन होगी? फंड की वेरिफिकेशन बिल्कुल होगी, क्योंकि हाई कमीशन ये चाहती है कि जो भी स्टूडेंट आए उसके पेरेंट्स के पास अपने फंड हो। देखिए विनय जी, पढ़ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, अगर गवर्नमेंट यही तो देख रही है कि फाइनेंशियल जो है वो जेन्युइन होने चाहिए, अगर फाइनेंशियल फंड अपने अकाउंट में अवेलेबल है सेविंग अकाउंट के अंदर या एफडी में भी फॉर्म में है, तो वो एफडी का पैसा सेविंग से ही बनेगा ना। जो वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं उसके अंदर रिफ्यूजल का कारण क्या है? सबसे बड़ा फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, नए फाइनेंशियल होते हैं, लोग उसके प्रूफ दे नहीं पाते हैं, 20-25 लाख की एफडी लगा दी, 30 लाख की एफडी दिखा देते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में उन्होंने नहीं बनवाई है। आज ही अगर आप पैसा दिखाते हो तो फिर उसके लिए सोर्स ऑफ फंड तो है ही नहीं अवेलेबल। आज आपके 3 वीजा आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, बताइए आपको बहुत धन्यवाद, अच्छे पैसे बचे होंगे जी। मुझे ये बताइए ये जो 3 वीजा मिले हैं आपको, इनके अंदर फंड की क्या पोजीशन थी? फंड इनके सेविंग अकाउंट के फंड थे, अपने पेरेंट्स फंड थे, पुराने थे? नहीं, पुराने फंड थे बिल्कुल, क्योंकि नए फंड पे तो वीजा सक्सेस रेट बहुत कम है। कितने दिन बाद वीजा आया?
तीन महीने के बाद, 90 दिन के बाद। तो तीन महीने लग रहे हैं, तीन महीने अभी जब से ये थोड़ा सा टाइटनेस का रूल हुआ है, तो उसके बाद से ये वीजा, पहले तो 5-5 महीने बाद मिल जाता है। एरिया के थे बच्चे, कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे हरियाणा और पंजाब दोनों। आज के दिन लोगों को ये वहम है कि पंजाब हरियाणा का वीजा नहीं आता। नहीं, हमारे पास लेटेस्ट वीजा किसी को देखना, मैं दिखा सकता हूँ। जिनके पास फंड नहीं है उसका कोई हल नहीं, अपने फंड आपके होने चाहिए, पेरेंट्स के, फादर। जिनकी पढ़ाई 2023 की है उसका क्या करें? अभी इनिशियली तो कॉलेजेस ले रहे हैं, अगले साल से तो 23 खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ 24 का बच्चा जाएगा, क्योंकि जब तक मार्च नहीं आता है वो एग्जाम नहीं होते 25 वालों के लिए। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि किसान के बच्चे को कैसे भेजा जाए। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने एक इंटरव्यू करा था आपका, तो किसान फंड कैसे शो करना है? मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में बताया था, अगर किसान हो आप और आप चाहते हो कि अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करना, कि कैसे हम लोग अपने बच्चे के लिए अपने फाइनेंशियल दिखाएं, तो सबसे पहले उसके जो एग्रीकल्चर के जे फॉर्म है, ठीक है, सबसे पहले उसके बाद जितनी भी फसल के पैसे आते हैं वो जे फॉर्म के थ्रू आएंगे किसानों के, तो जे फॉर्म लगा सकते हो। साथ में अपनी ITR जो शो करनी है, उसके बाद अपना इनकम का सर्टिफिकेट जो आपको जे फॉर्म के बिहाफ पे तहसीलदार बना के देगा, कि अगर आपने ठेके पे जमीन ली है तो आप उसका एक एग्रीमेंट करा लो, अगर आपके वही फंड आपके अपने हैं, अपनी जमीन है, तो आपका इनकम का सर्टिफिकेट वो मैच हो जाएगा आपकी ITR के अंदर एग्रीकल्चर इनकम की फॉर्म में, क्योंकि मेजोरिटी यूनिवर्सिटियों ने तो ये कह दिया है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी कोई बिजनेस या जॉब की इनकम साथ में ना हो। तो अगर सिर्फ एग्रीकल्चर है तो वो कॉलेजेस वाले अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उनको रेलेवेंट प्रूफ चाहिए। जिन बच्चों के वीजा ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज हो चुके हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो भाई बाकी कंट्रीज ही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी की तरफ से ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम वीजा नहीं देंगे, प्रॉब्लम आती है एक कॉलेज की तरफ से, जब वो प्रिज्म में COE देखता है बनाने के लिए किसी की, तो उसको पहले से नजर आ जाता है कि भैया इस बंदे की COE बनी हुई है, तो या तो इसका वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज है कहीं ना कहीं, या इसकी COE बनी हुई है, तो उसको वो मना कर देते हैं। बहुत सारे लोग कोरोना के बाद इस फील्ड में एंटर हुए, बहुत सारे नए एजेंटों ने अपनी दुकानें खोल ली। आज क्या पोजीशन है जो नई दुकानें खोली थी उनकी? चले गए लोग छोड़ के, क्योंकि वो टिके हुए थे, रिसेंट फंड डाले, एम्बेसी वीजा दे रही थी, कनाडा के बाद नाम पे टिके हुए थे, GIC कराया, बच्चा चला गया। अब जब उन्होंने टाइट कर दिया है तो लोग बाहर निकल के राजी नहीं है, लोग सोचते हैं हम लोग अपने इंडिया में बच्चों को भेजें। और सबसे बड़ा इस साल का जो रहा है कि जितने भी पेरेंट्स थे जो चाह रहे थे अपने बच्चों को कनाडा भेजना, ऑस्ट्रेलिया भेजना, जब से ये टाइटनेस हुआ है उसके बाद से इस बार रिकॉर्ड टूटा है, हर कॉलेज के अंदर बच्चों ने एडमिशन ले लिया, यानी इस साल सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में बच्चों ने एडमिशन लिया है कंपैटिबली बाहर जाने के, उन्होंने अपनी इंडिया के अंदर ही स्टडी को कंटिन्यू किया है। कोरोना के बाद 500% के करीब उछाल आया था इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, जहाँ पे 100 दुकानें थी वहाँ पे 500 दुकानें हो गई थी। आज विनय जी ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, आप जाइए इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, फिर से एक तरह का भूचाल आया हुआ है, बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं। आप एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट जिसने दुकान खोली थी आज, जिसके पास रोटी नहीं खाने के लिए, उसको क्या सलाह देते हो, क्या करे हो? सर वो कुछ ना कुछ, देखो ये 2 साल इंडस्ट्री डाउन रहने वाली है, अगर आप बात करो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की खास तौर पर जी, ये 2 साल कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों ने जो पॉलिसियां बनाई हैं वो पॉलिसियां कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स रोकने के लिए हैं, उनको जो चाहिए वो स्किल्ड बंदा चाहिए, पैसे वाला बंदा चाहिए। जो कह रहे हो 2 साल काम चलने वाला नहीं है, तो बंदा कुछ ना कुछ अपना कुछ नया बिजनेस करेगा किसी और तरफ, या किसी और तरफ यूरोप की तरफ लोग बहुत ज्यादा मुड़ गए हैं, लोग यूरोप जाना शुरू हो गए हैं, इंक्वायरियां यूरोप, क्योंकि उसका खर्चा भी 8-10 लाख के बीच में आ रहा है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर वीजा चाहिए, और अगर आपको कनाडा जाना है तो कनाडा में आपको हालात पता है कि अगर आप घर से पैसे वाले हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं तो कनाडा जाइए, मास्टर डिग्री के लिए जाइए, स्पाउस को साथ लेके जाइए, आपको स्पाउस का साथ का वीजा मिल जाएगा, उसका वर्क परमिट मिल जाएगा, वो काम कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई 12th वाला बच्चा ये सोचे कि मैं जाऊंगा और पैसे कमा लूंगा, वो आज की पोजीशन पहले वाली नहीं है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए अमित सहगल एक जरिया भी है B2B का काम करने का। हाँ जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को आपने सिखाया भी है काम, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं आपके पास, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है अभी?
ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हमारे पास ओपन अभी है कॉलेजेस, उसमें हम लोग एडमिशन दे रहे हैं 23-24 पास ले रहे हैं एडमिशन अभी भी। हाँ, हम लोग 2 दिन में एडमिशन ले देते हैं, और अगर बच्चे के पास फाइनेंस, क्योंकि हम लोग सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहे हैं जिनके पास अपने फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं बच्चों के पास। अगर फाइनेंशियल्स नहीं है हम स्ट्रेट वे मना कर देते हैं, इज नॉट एलिजिबल। अगर अपने फाइनेंशियल्स हैं 23 से 24 लाख के, उन सब के लिए अभी भी हम लोग 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर और 1 हफ्ते के अंदर उसका GD क्लियर हो जाता है, क्योंकि GD में उनके ITR फाइनेंशियल सारा हम लोग एक ही बार भेज देते हैं, और जैसे ही उन कॉलेज को ओके लगता है वो हमें अप्रूव करा देता है, उसके बाद बच्चा ट्यूशन फीस भरकर अपनी COE ले सकता है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जी, आशा करूंगा आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी, सारी इंडस्ट्री में लोग खुद की दुकान चलाते हैं, आप लोगों की दुकान चलाते हैं, क्योंकि आप B2B पे क्यों विश्वास करते हैं? मैं एक गीता की एक फिलोसफी को मानता हूं कि सिर्फ अपने लिए ही काम मत करो, दूसरों के लिए भी करो। अपने लिए तो दुनिया करती है, हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उसमें हमारी हेल्प अपने आप हो जाती है। जब मैंने आपसे एक एप्लीकेशन लेके आपके बच्चों का वीजा लगवा दिया तो ऑटोमेटिकली अगर आपको कुछ बचेगा तो मुझे भी बचेगा। तो परमार्थ के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं, इसलिए हम लोग परमार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि समाज में हम लोगों ने रहना है और हम भी तो समाज में ही रह रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ अपना भला सोचूंगा तो ठीक है, मैं लिमिटेड सोचूंगा। जब मैं सबका सोचूंगा तो मेरा अपने आप भला हो जाएगा। तो कर भला सो हो भला, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी मैं आज तक इस इंडस्ट्री में अगर खड़ा हुआ हूं तो B2B की वजह से। मैं रिटेल बहुत कम करता हूं, मेरे जितने भी एप्लीकेशन आज भी जो मेरे वीजा आए हैं वो मेरे वीजा वाले भाइयों के ही वीजा आए हैं, जो अदर कंसल्टेंट है, चाहे वो हरियाणा से हैं चाहे पंजाब से। मैंने जो 15 साल में नाम कमाया वो सिर्फ B2B में ही कमाया। तो अभी स्टैम्प वीजा की नई शाखा कहाँ खुली है? हमने जीरकपुर के अंदर ओपन किया। वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? यही B2B का काम कर रहे हैं। नहीं सोचा कुछ डायरेक्ट भी करने जा रहे हैं? डायरेक्ट देखेंगे थोड़ा बहुत, जैसा एप्लीकेशन जो अपने रेफरेंस वाले लोग हैं जिनके हमने वीजा लगवाए हैं वहां से एप्लीकेशन आती है, पर ज्यादा फोकस हमारा आज भी B2B पे। आजकल बहुत भयंकर वीडियो बना रहे हैं आप। जी, लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो है, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी कब तक करेंगे। मैं खुद 0 से स्टैंड हुआ हूँ, मैंने मेहनत की है, ठीक है, और आज मैं अपना उस एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो ज़िंदगी में मेहनत की है, जो चोटें खाई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें बचना है, ये सारी की सारी वीडियो आने वाले मेरे उस इंस्टाग्राम पेज पर भी मैं डालने वाला हूँ कि क्या करें जिससे हम लोग सक्सेसफुल हों, क्या करें कि हमारे को मन के अंदर से एक डर खत्म हो जाए। लोगों में डर होता है ना बिजनेस करना है, हाय मेरा ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मुश्किलें तो जीवन में आएंगी आएंगी, अगर मुश्किलों से डर कर हम लोग बैठ जाएंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। अब हमारी इंडस्ट्री में भी मुश्किल है, सब दोस्तों को भी मैं बोलना चाहता हूं, तो ये टाइम है, हमने अच्छा टाइम भी देखा है तो हमारे लिए ये बुरा टाइम भी आया है, तो कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा। तो टाइम तो दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, तो ये भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर उनको जरूरत पड़ेगी माइग्रेंट की, तो वी पीपल आर हेयर टू सर्व देम। यहाँ पॉपुलेशन की कमी है नहीं, जितनी जॉब्स लोगों को इंडिया में मिलती हैं वो लोग इंडिया में काम करते हैं, जिनको बाहर जाने का सपना है, विदेश में सेटल होने का है, चाहे वो उनके भाई बंधु बाहर हैं, दोस्त बाहर हैं या रिश्तेदार बाहर हैं, अगर वो वहाँ जाकर पढ़ना चाहना चाहते हैं तो हम लोग बैठे हैं उसी के लिए। मुझे लग रहा है जल्द आप आश्रम खोलेंगे। नहीं, आश्रम का तो ऐसा कोई विचार नहीं है। आश्रम तो हमारे देखो संन्यास जो है, संन्यास बेसिकली किसको बोलते हैं? लोग संन्यास को ये बोलते हैं कि यार अगर हमने चोला डाल लिया तो हम सन्यासी बन गए। हमारे को ठाकुर जी बोलते थे गीता के अंदर, उन्होंने क्या कहा कि अर्जुन को कि मन से सन्यासी बनो। तो अगर हम लोग अपने मन को कंट्रोल करके रखें, ठीक है, तो वो हमारे लिए संन्यास जैसा ही है। लिप्त नहीं होना किसी भी चीज में। अगर आपको मुश्किल आई है तो आपको वेट करना है, मुश्किलों में अगर आप इंतजार करते हो, सब्र करते हो, तो आप उसके बाद जब काम खुलता है तो आप अपना और ज्यादा प्रेजेंस के साथ सामने आ जाते हैं। अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, अभी आप एक अध्यापक की तरह नजर आ रहे हैं। मैं रहा हूँ टीचर, रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाया करता था। क्या पढ़ाते थे? मैं अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स पढ़ाया करता था। मुझे लगता है अभी वीजा पढ़ाएंगे आप लोगों को। सर, वीजा की भी मेरी एक प्लान है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपसे भी कुछ गाइडेंस लेंगे कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन वेबिनार वगैरह, जिसमें वो दोस्त हमारे जो वीजा का काम सीखना चाहते हैं, जो नए लोग जेन्युइन लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ हरियाणा पंजाब की बात नहीं कर रहे, मैं 7-8 साल दिल्ली लगा के भी आया हूँ, तो दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन टूरिस्ट वीज़ा का काम करते हैं, विजिटर वीज़ा का काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, 10 से 15 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो वो बंदा 50 हज़ार से लेकर 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये महीने तक विजिटर वीज़ा से मात्र 2-4-5 हज़ार रुपये की अपनी फीस लेकर अपने नेटवर्क से कमा सकता है, जिन्होंने जेन्युइन गाइडेंस देनी है। दिल्ली वाले एजेंट से इतना डरते क्यों हैं लोग? सर, दिल्ली वाले एजेंट से डरना लाइक किस हिसाब से आप पूछना चाह रहे हैं?
सुना है दिल्ली वाले एजेंट फ्रॉड ज़्यादा करते हैं। सर देखो, अगर देखो हमारी सोच किस तरफ चलती है, अगर मुझे जेन्युइन तरीके से स्टडी वीज़ा लेना है तो दिल्ली में एक से एक कंसल्टेंट बैठे हैं। आप दिल्ली में रह के आए हैं, दिल्ली में काम किया आपने जी, आपको दिल्ली की मार्केट की पता है, दिल्ली की मार्केट, दिल्ली से क्यों भागते हैं आज पंजाबी आदमी, दिल्ली वाले एजेंट पर ट्रस्ट नहीं करता। सर देखो, जो लोग आज के टाइम में ना बच्चा क्या करने लग गया, अपने गांव के, अपने शहर के, अपने लोकल एजेंट के पास आने लग गया, वो चाहता है कि मैं उसको जानता हूं, कल को मेरी कोई समस्या होगी जानता हूं, उसका टाइप ही नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में दाखला ही नहीं करा पा रहा, वो तो वो क्या करते हैं, वो किसी बड़े एजेंट को एप्लीकेशन दे के एडमिशन करा लेते हैं। सबका चैनल बना हुआ है एक से एक, जैसे लोग मेरे साथ काम करते हैं जी, जो मेरे पास इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट वो मुझे एप्लीकेशन देते हैं, ऐसे दिल्ली में बहुत बड़े एजेंट्स भी बैठे हैं जिनके पास एग्रीमेंट है, क्योंकि वो किसी और को एग्रीमेंट लेने ही नहीं देते ना, बड़े बड़े एजेंट ऐसे भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसी को एग्रीमेंट ही नहीं लेने देते, उन्होंने अपने तक ही सीमित करके रखा हुआ। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? एक जेन्युइन बच्चे को मैं 5 से 6 लाख में भी ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, जिसके पास अपनी फीस है वो $10,000 की फीस पे भी ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, 6 महीने की फीस भर के। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, फाइनेंशियल आपके पास हो अपने, ITR आपके पास अपनी है, फाइनेंशियल्स अपने हैं, इनकम का सोर्स अपना है, IELTS का बैंड स्कोर अच्छा है, एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, तो आप मात्र 6 महीने की फीस भर के $9,000-10,000 की फीस भरो, $2,000 का आपका 3 साल का इंश्योरेंस लगेगा, आप उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। जिनके पास बजट नहीं है बाहर जाने के लिए, गरीब लोग हैं, पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, उनको क्या सलाह देंगे आप? उन लोगों को एक ऑप्शन है, अगर उनकी जॉब है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो US बहुत अच्छी ऑप्शन है उनके लिए, US का विस्टर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जी। US का आपको पता ही है विस्टर वीज़ा की $185 की मात्र फीस है, कागज़ कुछ चाहिए नहीं, वीज़ा ऑफिसर ने फेस टू फेस बच्चे से बात करनी है। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि उसमें हमें सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए? अगर वो देखो, जो DS-160 का फॉर्म होगा, उस फॉर्म में एक वीज़ा ऑफिसर ये तो चेक करेगा ना कि जो बंदा मेरी कंट्री में एंटर कर रहा है वो कुछ करता है कि नहीं करता है। आपने 2-4 क्वेश्चन पूछने, मैंने उसका जवाब देना है, मुझे US जाना क्यों है, मुझे क्या करने जाना है, मेरे पास पैसे हैं खर्चे के लिए, पैसे हैं कि नहीं है, कहाँ घूमना है। अगर वीजा ऑफिसर के सामने आप बिना झिझके खुल के ये जवाब देते हो तो ग्रांट उसी टाइम मिल जाती है, वो पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे, हफ्ते में पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, स्टैम्प हो गए, और वीजा भी 10 साल का मिलेगा, 10 साल तक घूमने जाओ, 5-6 महीने वहाँ रहो, वहाँ से कोई बिजनेस लेकर आप सोच सकते हो, अपनी एक अच्छी सोच के साथ इंडिया आ सकते हो, वहाँ किस तरह का बिजनेस चल रहा है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज, अगर हम आज बात करें एयरटेल वगैरह की, उन्होंने क्या किया है, पुराने लोग जो जाया करते थे विदेशों में, विदेशों से आइडिया ही तो लेके आते थे, कुछ लोग हमारे इंडिया से आइडिया लेकर बाहर जाते हैं, कुछ बाहर की कंट्री वाले आइडिया लेकर इंडिया में आके काम शुरू करते हैं। US विजिटर वीज़ा पे काम करना अलाउड होता है? बिल्कुल भी नहीं, वो आपको वीज़ा घूमने फिरने का दे रहे हैं, एक्सप्लोर करने का दे रहे हैं, हमारी कंट्री में टूरिज्म पे आओ, आकर आप टूरिज्म में देखो क्या यहाँ। गरीब आदमी का सवाल होता है, मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे काम करने जाना। देखो, गरीब भी तब तक गरीबी है जब तक आप उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। शिक्षा एक ऐसा, मैंने अपनी एक वीडियो में भी बोला था, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उस नॉलेज को एक्वायर करते हो तो एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। किसी बड़ी कंपनी के अंदर आप उस आइडिया को दो, अगर उनको पसंद आता है तो वो आइडिया में आपको अपनी कंपनी में शेयर दे देते हैं। तो एक बेसिकली एक आइडिया ऐसी चीज़ है, जैसे ओला उबर ने नया आइडिया निकाला, जोमेटो ने निकाला, आज वो कंपनियाँ कहाँ पहुँच गई हैं। वक्त जरूर लगता है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी बंदा गरीब ही रहेगा, अगर वो कोशिश करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा और अपनी उस शिक्षा का यूज़, बुद्धि का यूज़ अपनी मेहनत के साथ लगा दे तो वही मेहनत उसको कामयाब बना सकता। कोई आपकी अचीवमेंट जो आज तक आपको लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी? मैं सर एजुकेशन इंडस्ट्री में शुरू से ही रहा हूँ, मास्टर डिग्री करने के बाद ट्यूशंस लेता था, 12th+2 क्लास में था मैं, 12th में जब मैंने ट्यूशंस पढ़ानी शुरू की, धीरे धीरे मुझे नॉलेज होती गई, बच्चों को पढ़ाता गया, पढ़ाने के साथ साथ मुझे एक अचीवमेंट ये मिली कि मैं ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्री के साथ जुड़ गया 2007 से। 2007 से लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2024 तक का, उसमें मैंने जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का सिस्टम देखा है कि जब वीज़ा खोलता है ऑस्ट्रेलिया तो वो देखता नहीं है, वो वीज़ा बहुत बढ़िया खोलता है, और उसके बाद जब वो बंद करता है तो वो साल दो साल के लिए बंद कर देता है। तो अपनी अचीवमेंट ये रही है कि हमने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट भेजा है ऑस्ट्रेलिया में वो सारा खुश है, उसमें से मैंने किसी बच्चे को वापस आते नहीं देखा। कैनेडा से मैंने बहुत बच्चे वापस आते देखे हैं और आज भी देख रहा हूँ, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं कई नॉन्स में हैं जो कैनेडा में सेटल हैं, वो रोज़ बताते हैं कि जी काम नहीं है यहाँ पे, अब बच्चे वापस जाना शुरू हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, कॉलेजेस वाले खुद बताते हैं कि इस टाइम जो एडमिशन्स, उनके पास सीटें पड़ी हैं पर स्टूडेंट्स आके राजी नहीं है, इस टाइम पे जो हालात हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काम भी चाहिए। कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहोगे आज के बच्चों को जिससे वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले पाएं?
देखिए सबसे पहले पेरेंट्स के लिए सलाह है कि वो अपने, क्योंकि देखो वीजा मिलेगा किसी भी स्टूडेंट को वो उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स पे मिलेगा। तो अगर कोई भी पेरेंट्स आज जो गवर्नमेंट सर्विस में है, जो बिजनेसमैन है, और उसका बच्चा अगर 23 का पास आउट है या 24 का पास आउट है, तो इससे कैपिंग से पहले अगर वो अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहें, जिनके पास अपने 24-25 लाख रुपए के फंड अवेलेबल हैं, तो वो किसी भी कॉलेज में आराम से एडमिशन करा सकता है, क्योंकि कॉलेज वाले अभी आराम से एडमिशन दे रहे हैं जी। वो बच्चे इस टाइम उनके लिए लास्ट चांस है, जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया, वो बच्चे अगर अपना वीज़ा अप्लाई कराना चाहते हैं तो वो अभी संपर्क कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर आपने सितंबर तक फाइल लगा ली तो 3 महीने का टाइम है, लास्ट दिसंबर का टाइम है, दिसंबर तक अगर वीजा आ जाते हैं उनके 90 दिन के अंदर, देखो दो ही काम होंगे, या वीजा आएगा या रिफ्यूजल होगा जी। जब तक आप वो स्टेप नहीं लोगे तब तक तो आपका वीजा नहीं आएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे, अगर आपने कोशिश ही नहीं की। तो कोशिश ना करने से बेटर है कोशिश कर ली जाए, क्योंकि कहते हैं ना जब किस्मत का पिटारा खुलता है तो किसका खुलता है वो किसी को नहीं पता। तो ये लास्ट चांस है अप्लाई करने का, अगर 24 का पास आउट 23 का पास आउट बच्चा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहता है। रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें बंदा नंबर भी अच्छे ले लेता है, आइल्स के पीटी में बैंड भी अच्छे ले लिए। अब समस्या आती है सारी फंड्स के ऊपर। सर इस टाइम पे सबसे बड़ा इशू फंड्स का ही है। अगर जिन पेरेंट्स के पास अपने फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं, एक तो वो जो पुराने फंड्स लेके बैठे हैं, और एक वो जिनके अपने बिजनेस चल रहे हैं या वो अपना एजुकेशन का लोन ले सकते हैं। तो लोगों को वहम है कि एजेंट पैसे लेके फंड शो कर देगा। सर उस पर वीजा नहीं, क्योंकि आज एज ए वीजा ऑफिसर हम क्या सोचते हैं, वीजा ऑफिसर क्या सोचता है भी इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 25 लाख की एफडी तो आपने एम्बेसी में लगा दी, अगर आप एम्बेसी के साथ प्रूफ ही नहीं लगा रहे हो कि वो 25 लाख रुपए कौन से अकाउंट से बन के आए हैं, तो आपको कोई वीजा कैसे देगा। वो वीजा ऑफिसर को साफ नजर आएगा कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अरेंज हुए हैं, किसी रिश्तेदार से लिए हैं या एजेंट ने हेल्प करी है। अगर आप अपना सेविंग की स्टेटमेंट साथ लगाओ, उससे पैसा शो किया हुआ है, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा ज्यादा नहीं, आपने बिजनेस में डाल रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेसमैन अकाउंट में पैसा कहाँ रखते हैं सेविंग में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं बिजनेस में। तो आप अपने करंट अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो जिनके पास अवेलेबल है, उसकी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री तो बनेगी। और एक वीजा ऑफिसर को नजर आएगा कि उसकी साल की अगर 30-40 लाख की टर्नओवर हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वहां पे आराम से सेटल हो सकता है। हमने ऐसे भी वीजा लिए हैं जिसमें फाइनेंशियल सिर्फ बहुत लिमिटेड थे, पर उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखकर एम्बेसी ने वीजा दिया। देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, मैं भी हर रोज़ बताता हूँ लोगों को। अब समस्या ख़त्म होती है एक ही चीज़ पे, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, फंड है ही नहीं, अब ये बंदा क्या करे। तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन है यूके, और यूके जाएगा पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जाना है। तो उसके लिए सिर्फ वेट का प्रोवाइडर में डाल सकते हो, जिसके अंदर आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंडिचर। एजुकेशन लोन से बंदा अप्लाई कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लोन आप सिर्फ ट्यूशन फीस का करा सकते हो। अगर आपको बैंक आपका ये लिख के दे दे कि एजुकेशन प्लस लिविंग को वो लोन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके एक रास्ता ये है कि जिसके पास फंड नहीं है, अगर उसको बैंक सपोर्ट करता है, अगर बैंक एजुकेशन लोन में हमें प्रॉपर सेंक्शन लेटर दे देता है विद लिविंग एक्सपेंस, तो उसके बेस पे वीजा, तो उसके बेस पे वीजा मिल जाता है। हाँ, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर चल जाता है, थर्ड पार्टी कुछ लिमिटेड तक, सब जगह पूरा 100% नहीं, क्योंकि अपने पेरेंट्स की भी इनकम होनी चाहिए जी। इनकम 25-30% आप अपना चाचा ताऊ मामा नाना दादा दादी वो तो चले जाते हैं। देखिए जो बंदा बाहर जाता है ना जी, मजबूर होता है। आपने भी शुरू में बोला कि लोग काम करने के लिए ही जाते हैं। आज के युवा बच्चों के पास कमाई का साधन नहीं है, गरीब हैं लोग, कैसे भी करके पैसे जुगाड़ कर लिया। अब जब फंड शो करने की बात आती है, वो बड़े बड़ों से नहीं होते, फिर उसके लिए वो फर्जी एजेंट को पकड़ता है। वही सबसे बड़ा इशू है। 2-4-5 ये जो ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ है उसका रीजन भी तो यही था ना, सबसे 1.5 से 2 लाख रुपया फंड के दे देता है, तो अपने पैसे खराब करते हैं लोग। तो उसका सोल्यूशन क्या है? एक तो आपने बता दिया कि लोन की तरफ जाए, एजुकेशन लोन इज द बेस्ट सोर्स। अगर वो कहीं अपने रिश्तेदार से कोई फाइनेंशियली है, अगर उसकी हेल्प कर दे, उसका अपना स्पॉन्सर कोई, जैसे सगा चाचा है या मामा है या नाना नानी है, वो अपने ITR या फाइनेंशियल कोई गवर्नमेंट सर्विस में, किसी सगे भाई बहन के, सगे भाई बहन बिल्कुल, फैमिली क्लोज फैमिली मेंबर तो है ही है, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, पैटर्नल और मैटर्नल, दादा दादी नाना नानी, ये चल जाते। तो अभी जो दिसंबर इंटेक की एडमिशन है कब तक होगी? सर और 5-7-10 दिन, क्योंकि आपको सितंबर तक तो फाइल लगानी पड़ेगी ना, अगर आपको दिसंबर तक का वीज़ा लेना है। अगर क्योंकि कुछ लोग कॉलेजेस ने अपना इंटेक डेफर करके बिफोर कर दिया, मतलब जिनका जन्म फरवरी था वो कह रहे थे फरवरी में तो जब कैपिंग होगी देखेंगे, उन्होंने नवंबर के साथ दिसंबर भी कर दिया। तो अगर दिसंबर तक आपको मैक्सिमम फाइल का रिजल्ट लेना है, तो आपको सितंबर तक किसी भी हालत में फाइल लगानी पड़ेगी।
क्योंकि रिजल्ट 90 दिन में ही आ रहा है। चलिए धन्यवाद आपका, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो जितने भी लोग हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थे, अमित जी ने कोशिश करी है समझाने की कि फंड को कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ फंड नहीं है आपके पास, आप लोन करा लीजिए या किसी भाई बहन रिश्तेदार के फंड दिखा लीजिए, नकली फंड दिखाएंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद। दैनिक सवेरा अते फॉक्सवैगन 18-19 अते 20 अक्टूबर नू जलंधर दे गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम विच तुहाडे लई ले आए ने ऑटो एक्सपो 2024, जिस विच तुहानू मिलनगियां लग्जरी कारां, बाइक्स, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस, फ्री मेहंदी ते नेल आर्ट व्हील दोपहर 12-8 बजे तक। स्पॉन्सर जरूर ऑटो एक्सपो 2024, एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।